बहुत सारे मैं पावर सेक्टर के बारे में बातें करते रहता हूँ। मैं बहुत बुलिश हूँ पावर सेक्टर के बारे में। चलो आज ही एक पेनी स्टॉक है, एक स्मॉल स्टॉक है, आप लोग जो पसंद करते हो वैसे एक स्टॉक लेके आया हूँ पावर सेक्टर का। आज डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा स्टॉक्स है, उसका जो प्रोडक्ट है जो पावर सेक्टर में बहुत कुछ चलने वाला प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों आज बात करेंगे हम आज ये पावर सेक्टर के बारे में। जो आज का हमारा जो स्टॉक है उसका नाम है HBL पावर सिस्टम। HBL पावर एक पावर सेक्टर का स्टॉक है। चलिए अब हम स्पीड से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट देखेंगे क्या क्या इसमें है। इसका बार आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है स्पेशलाइज्ड डिफेंस बैटरीज, मतलब डिफेंस में काम आता है तो वैसे कुछ प्रोडक्ट है। फिर अर्थ लीकेज मॉनिटर है, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, जो ये सब जो सब पावर रिलेटेड ही बैटरीज है। मेन काम इसका बैटरीज भी है, सोलार से बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप जाके वेबसाइट विजिट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर 10 साल चलने वाला प्रोडक्ट है तो कंपनी में दम रहेगा दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया तो फिर कंपनी में परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। जैसे बहुत कुछ प्रोडक्ट है आज हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, पहले बहुत सारे यूज़ करते थे, आजकल यूज़ नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो कभी भी हम स्टॉक मार्केट में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लेके चलना पड़ता है, फ्यूचर में जो 10 ईयर के लिए क्या चलने वाला वही हम देखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट जाएंगे हमारा थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में। तो हम देखा है HBL पावर, आप यहाँ मैं देख सकते चार्ट नीचे 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 जा रहा है दोस्तों। हमको जो क्या चाहिए दोस्तों, जो नीचे जा रहा है ना वही हमको चाहिए, नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए हमको जो नीचे जा रहा है अभी नीचे खड़ा है वही स्टॉक हम सेलेक्ट करना है दोस्तों। आज HBL पावर आप देख सकते हैं, मैं इसको 50-40 रुपीज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, अच्छा चार्ट बन रहा है, आप चार्ट भी देख सकते हैं। ये जो मेरा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अपस्टॉक का है दोस्तों। आप भी चाहे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जिसको चाहिए वो लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। तो हमारा चालन एक चैनल ग्रोथ होने के लिए आप थोड़ा सा आपका हेल्प भी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, तो ये हम ओके दोस्तों आज चार्ट देखेंगे कैसे चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत दिन से खड़ा था स्टॉक, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खड़ा था स्टॉक, फिर ब्रेकआउट जैसे हुआ है, जैसे ब्रेकआउट हुआ है। तो एक चीज़ है, पावर सेक्टर का स्टॉक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत सारे टावर भी मोबाइल टेलीकॉम में भी है, टावर बनाते हैं डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए, बहुत सारे कुछ ये काम पे काम करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग में है, प्रोडक्ट भी ट्रेंड है, सेक्टर भी ट्रेंड है। तो ये इसे एक बॉक्स है, जब भी ये बॉक्स से निकलता है ना दोस्तों स्टॉक ऊपर जाएगा। वो कैसे क्या है आपको बिफोर, अभी तो निकल गया, अभी हम बिफोर इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करना है आज वो हम देखेंगे। तो एक मैं जब भी आता हूँ स्टॉक के साथ आप एक लर्निंग देने का कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लर्न करना है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना है। फ्यूचर में अगर आदमी कब कितना दिन तक कर सकते हैं डिपेंड नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए मेरा हमेशा क्या इरादा रहता है आप लोग को सिखाने का, आप एक बार सिखाएंगे तो आप उसमें स्टडी करना चाहिए। तो आप मेरे ऊपर, मेरा जो स्टॉक बोलता हूँ उसके ऊपर आप कभी भी डिपेंड नहीं रहना, इसलिए मेरा कोशिश रहता है आपको कुछ ना कुछ सिखाना है मेरे को। चलिए मैं कैसे देखेंगे, ये है हमारा जो चार्ट है, आप ऐसे ही देख रहे हैं ना, यहाँ पे खड़ा था स्टॉक, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर खड़ा हुआ यहाँ पे आया। चलिए ये हो गई, यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये रेसिस्टेंस मैं डाला हूँ, थोड़ा बड़ा मोटा कर देता हूँ ये, एक मिनट, ओके दोस्तों चलिए देखेंगे हम। अगर जब ये एक स्टॉक खड़ा है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखा है ना खड़ा है, आपको दिखाया मैं, यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जैसे जैसे आप कहीं भी सपोर्ट बनाए ना दोस्तों, जैसे सपोर्ट होता है आपको मैं सपोर्ट दिखता हूँ, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, जैसे भी सपोर्ट होता है ये लाइन्स वगैरह मैं डाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे कभी रेसिस्टेंस भी रहता है सपोर्ट भी रहता है। एक लाइन लगा लेना आप, एक लाइन लगा लेना, तो मैं एक दोबारा भी डला के दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे एक लाइन लगाया आपने, मैं दो लाइन हो गए,
तो फिर यहाँ पे एक लाइन लगाया आपको, यहाँ देखो यहाँ पे सपोर्ट हुआ है, फिर अभी निकला नहीं है स्टॉक, यहाँ पे आ गया ना एक सपोर्ट, देखिए यहाँ पे ऊपर गया ना। सिंपली आप ये देखो यहाँ पे स्टॉक, ये यहाँ पे देखो रिवर्स हो गए ना, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया आपको, फिर यहाँ पे आके फिर जाके यहाँ पे जो एक डिप मारा है यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया, फाइनली आपका एक दो सपोर्ट बन गया। एंड लाइक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना दोस्तों, ऐसे देखिए ये सीढ़ियाँ है, फिर चढ़ गए ऊपर, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना ऐसे ही वो जो स्टॉक है वो भी जाता है, जैसे सीढ़ियाँ जैसा। जैसे ये देखो यहाँ पे आप एक सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस भी देखो आप एक बार, रेसिस्टेंस क्या है हमारा इधर, ये देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये पहला पुराना वाला रेसिस्टेंस पे आप एक लाइन लगा देना, यहाँ पे जो मैं लगाया हूँ पूरा, यहाँ पे देखिए स्टॉक एक बार आके नीचे आ गया ना, अब यह समझ लो आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक ऊपर एक रेसिस्टेंस लगा लेना आप। ऊपर एक रेसिस्टेंस लगाने के बाद अभी ये हमारे एक रेसिस्टेंस हो गया, रेडी हो गया यहाँ पे, है ना, आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक रेसिस्टेंस हो गया हमारा, समझ लो आप स्टॉक्स यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, जब भी ये स्टॉक ये रेसिस्टेंस के ऊपर जोर से निकलता है, जोर से मतलब बहुत लोग समझ, जोर से मतलब क्या है, जोर से मतलब है दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे वैल्यूम आया हुआ है, आप ग्रीन दिख रहा है ना वैल्यूम, जब भी ऐसे वैल्यूम आना शुरू हो जाता है स्टॉक क्या होता है ऊपर जाने का कोशिश रहता है। समझ लीजिए अभी दो बार रेसिस्टेंस भी ट्राई किया है, फिर तीसरा बार जा रहा है, तो फिर ऐसे एक वैल्यूम भी है, तो स्टॉक चांसेस मैक्सिमम रहता है कि ऊपर जाएगा। तो ये हमारा एक बॉक्स है, ये देखिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स से जब भी निकलेगा, सिंपल चीज़, अब ज़्यादा सोचने का नहीं, ये जब एक बॉक्स लगा लेना, ये बॉक्स से जब भी निकलेगा स्टॉक ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा ये आपको स्टॉप लॉस रहेगा, ये बॉक्स ही आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसा आप कोशिश करो कि जब भी चार्ट ओपन करेंगे एक ऐसा एक ही जगह में खड़ा हुआ एक चार्ट देख लो, आप पकड़ लो बस, एक सेक्टर हल्का सा, एक सेक्टर के बारे में, एक कंपनी के बारे में जानो, एक ऐसा बॉक्स रेडी हो रहा है कि आप एक बार देख चेक कर लेना। ये बॉक्स आपको दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, ये बॉक्स ऐसा कोई बॉक्स रेडी हो रहा है कि आप देखो, ये बॉक्स जब भी निकलेगा स्टॉक ऊपर जाएगा दोस्तों। एक बढ़िया स्टॉक है, आपका तरफ से भी आप एनालाइज करके आपका खुद का डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब लाइक करना भूलना मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना, आएंगे नेक्स्ट और एक स्टॉक के साथ एक लर्निंग लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।